हाय दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम रिपेयर करना बताएंगे कि रिपेयर कैसे होती है, प्रॉपर तरीके से हम बताएंगे इस वीडियो में। तो हमारा एम्पलीफायर है 355 का, जिसका ये आगे का लुक है फ्रंट, 995 मॉडल नंबर है और इसकी लुक बहुत बेहतरीन तरीके से है। तो दोस्तों आज हम इसको सेट को रिपेयर करके वीडियो में बताएंगे, आप वीडियो में बने रहें। अब ये हमने पीछे के पोर्शन दिखा रहे हैं बैक प्लेट की, जहाँ पे 8 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, 355 8 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, जिसे सारे में बेस्ट कलेक्टर इमिटर 3 पॉइंट होते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर किस तरीके चेक किया जाता है और किस तरीके से रिपेयर किया जाता है सेट, आज मैं इस वीडियो में अच्छी तरीके से बताऊंगा। हमेशा हर वीडियो में अच्छी तरीके से बताते हैं, आज भी वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से सेट रिपेयर किया जाता है। वीडियो देखते ही आपको होश उड़ जाएंगे और दिमाग खुल जाएंगे कि कैसे रिपेयर होता है सेट। तो दोस्तों जितने भी इच्छुक हैं इलेक्ट्रॉनिक लाइन से, तो हमेशा ये वीडियो जरूर देखें। तो आइए हम चलते हैं, सबसे पहले मेन लीड को चेक करेंगे और मेन लीड चेक करते हुए मेन लीड को लगाएंगे प्लग में, पावर सप्लाई में लगाएंगे और सबसे पहले हम इसको वोल्टेज को चेक करेंगे। सेट डेड है तो हम इसको साउंड को कैसे लाएंगे, तो हम सबसे पहले एसी वोल्टेज को चेक करेंगे, जहाँ पे करंट फ्लो करती है, जहाँ पे करंट फ्लो करती है, एसी बन रहा है, आगे पास हो रहा है या नहीं, इस चीज को हम आज बताएंगे वीडियो में। तो दोस्तों हमने ये पॉइंट एसी पे रखा है, यहाँ पे एसी है, बोल्ट लिखा हुआ है मीटर में, आप देख सकते हैं। एसी बोल्ट को हम कैसे चेक करें वो भी बताते हैं। तो यहाँ पे फ्यूज होल्डर लगा हुआ है, तो मेन लीड का एक कनेक्शन यहाँ लग गया, एक स्विच पे लग गया, तो हम एक मीटर का पिन यहाँ रखेंगे और एक यहाँ रखेंगे। तो आप दोस्तों देख सकते हैं 240-46 वोल्ट एसी आ रहा है, जैसे कि ऊपर से एसी है हमारा वोल्ट, ये हम थोड़ी कम कर लें, 230 पे रखने हैं, हम बढ़ाने के लिए यहाँ पे वोल्टेज लगा रखे हैं। तो जैसे कि अब हो गया एसी वोल्टेज हमारा, एसी वोल्टेज 223 आ गया, 230 तक रखते हैं। तो ये तो आपका प्राइमरी, जिसे बोलते हैं ये ट्रांसफार्मर, ये प्राइमरी हमारा चेक हुआ, पहला ऑप्शन और पहला ये प्राइमरी चेक हो गया सर। अब उससे आगे हम सेकेंडरी को चेक करना है कि सेकेंडरी, तो जैसे कि हमने एसी वोल्ट चेक किया, यहाँ पे एसी वोल्ट आपको आ गया 223 वोल्ट है, तो हमारी ये प्राइमरी चेक हो चुका। और अब आगे जैसे आगे ट्रांसफार्मर करंट आगे जा रहा है कि नहीं, तो वो कैसे चेक करना है इस वीडियो में वो बता रहे हैं दोस्तों। अभी यहाँ पे एसी ही वोल्टेज बनेगा, 18×36 वोल्ट यहाँ भी बन गया। अब ये आपके अंदर बोर्ड के अंदर सारी वोल्टेज आ गई है, अब हमें सप्लाई को चेक करना है। तो सप्लाई चेक करते ही हम मीटर को डीसी पे कर देंगे। डीसी पे करने के बाद हमें ये बोर्ड को ओपन करने हैं। जैसे कि मैंने कहा कि रिपेयर सेट कैसे किया जाता है और इस वीडियो में हम रिपेयर करना हम बता रहे हैं दोस्तों, आप ध्यान से देखें। तो हम बोर्ड को यूं कर लिए, बोर्ड के करते समय हम ये कर लिए और करने के बाद हमने अब डीसी पे रखा, यहाँ पे डीसी बोल्ट आ गया, तो डीसी बोल्ट हमने चेक करने हैं यहाँ पे सप्लाई। ये माइनस वोल्टेज 24 और ये प्लस, यानी वोल्टेज आ चुका है इधर और वोल्टेज ओके है। तो अब देखना है कि इधर से हमारा सप्लाई सारे वर्क कर रहा है, हम बोर्ड को वापिस
अपने जगह पे अपनी जगह पे लगा देते हैं। अब हम स्पीकर के इसमें कनेक्ट कर लेंगे कि साउंड क्यों नहीं आ रहा है, तो स्पीकर हम कनेक्ट कर रहे हैं। इसमें दो कॉलम है, वैसे 8 कॉलम का कनेक्शन है ये, और 8 4 स्पीकर चला सकते हैं, 2 2 4 ऑप्शन 4 का है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि पहला ऑडियो ये है कि हमने ये पे ऑडियो आ गया। अब दूसरी चैनल में चेक करने हैं ऑडियो, तो यहाँ पे सही तरीके से क्लिक नहीं आ रहा साउंड की। तो साउंड को हम क्लिक कैसे लाना है, क्या दिक्कत है, वो हम बताने जा रहे हैं। तो ये हमने वापस लगा देने हैं ऑडियो की तार यहाँ पे। यहाँ से ऑडियो क्लिक हो चुका है, यहाँ से ऑडियो जाता है मॉड्यूल पे सीधा। वॉल्यूम पोर्ट पे आ गया यहाँ से, तो वॉल्यूम पोर्ट पे यहाँ पे क्लिक नहीं पहुंच रहा है। तो बोर्ड से यहाँ ऑडियो आ गया, यहाँ से हमें स्विच पे जाना, स्विच के द्वारा हमारा एफएम यूएसबी काम करता स्विच के द्वारा। तो यहाँ पे हमने ऑडियो यहाँ आ गया दोस्तों, यहाँ से स्विच पे आ गया, स्विच से हमारा ये मॉड्यूल पे है, यहाँ पे मॉड्यूल पे नहीं आ रहा। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि ये मॉड्यूल काम नहीं कर रहा। तो हमारे पास मॉड्यूल है, ये लगा के हम देख लेते हैं। इस वीडियो में अब साउंड आ चुका। तो इसी तरीके से हमने फॉल्ट को दूर किया। सबसे पहले हमने प्राइमरी सेकेंडरी माइनस प्लस दोनों वोल्टेज चेक करते हुए, यहां से ऑडियो क्लिक करते हुए यहां स्विच के द्वारा मॉड्यूल पे आया, फॉल्ट आराम से सोल्व हो गया। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसा लगा, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी बजाकर जरूर दबाएं। थैंक यू। नहीं बंद कर के तो नहीं चलेंगे। तो हमने इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, और समझने वाले जाहिर सी बात है जितने भी वर्ग साथी वगैरह जो ध्यान से सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, YouTube पे चैनल हमारी आती है, तो YouTube पे चैनल हमारी जितने भी और दोस्तों जितने भी देख रहे हैं हमारे बुजुर्गों, तो समझ आ गया होगा, और आगे भी हम समझाते रहेंगे। हमारा यही काम है वीडियो बनाकर लोगों तक ज्ञान को उन तक पहुंचाना। इस ज्ञान को
हर भाई बंधु के पास पहुंचाना ताकि अपना घर का खर्चा थोड़ा बहुत अपना बचा सके। मेन मकसद हमारा यही है कि कोई भी सेट रिपेयर करने के लिए हम अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। 150 वाट हो, 90 वाट हो, 45 वाट हो, 350 वाट हो।